हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और देखिए, मैं आ गई रसोई में। रसोई साफ कर लिए और ये मैंने दलिया चढ़ा दिया है, दलिया बनाने के लिए रख दिया है इसमें। और मेरी यहाँ बन गई है चाय, और मैं चाय अब ये चाय छान लेती हूँ। मैं देखिए, मैंने चाय छान ली है। ये मेरा दूध का लोटा था, मलाई वाला, तो इसे मैंने चाय छान लिया दूध के लोटे में। मैं इसे डाल रही हूँ चाय को, और अब ये दो कप रख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने चाय बना ली है और चाय बन रही है। यहाँ मेरा बन रहा है दलिया। ये देखिए, दलिया रख दिया है। चलिए अब चाय ले चलते हैं। अब मैं डाल रही हूँ, देखो, चाय पी लेते हैं पहले हम लोग। ये चाय आप लोग भी पी लीजिए, चाय अदरक की मसाले वाली, बढ़िया बढ़िया चाय, ठीक है। चलिए मैं भी पी लेती हूँ चाय। और कौशिक जी की भी चाय डाल दी है मैंने। कौशिक जी, चाय? हाँ जी, हाँ जी, लाओ जी। इनकी चाय डल गई है। दीपा से मेरी बात हो गई है, और मैंने वो लक्ष्मी गणेश जी मंगाने थे, आ तो दीपा गिर गई, सुबह फिसल के गिर गई है, काफी ऊपर से गिरी है, लेकिन बस ये है, वैसे कोई चोट नहीं आई है। कह रही है मम्मी वहां दर्द हो रहा पैर में, कमर में, सीधे साइड से कमर से पैर तरफ। मैं बोली अभी थोड़ा सा कम पता लगेगा, कल बहुत ज्यादा पता लगेगा। तो चोट तो लगती है ना, ऊपर से कितनी सीढ़ी नीचे गिरी है, जाके फिसलती आई है नीचे तक, काफी चोट लगी है सुबह सुबह। कह रही मैं पूजा करके गई थी मम्मी, जल चढ़ा के गई थी, भगवान जी ने बचा लिया, नहीं तो मेरा मुंह भी लग सकता था दीवार में, हड्डी टूट सकती। मैंने कहा हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता था, तो ध्यान से चलो। पर वही हम लोग कहते हैं ध्यान से चलो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कितना भी ध्यान से चलो, ध्यान से चलने वाला जहाज जोर से गिर जाता है। चाय बनाने के लिए जा रही थी अपनी नीचे, तो बस फिसल गई। बस वो ये बच्चे जब दूर रहते हैं ना, तो इसी चीज का रहता है बच्चों का। अब मेरे पास होती तो मैं खुद मालिश वालिश करती, मैं देखती हूँ उसे। अब दूर है, बस फोन से ही मैं बात कर सकती हूँ, बता सकती हूँ उसे। बस अभी दो दिन से मेरे साथ कुछ अजीब सा वाक्य हो रहा है, मुझे ये पता नहीं है वो है कौन, और मुझे पता नहीं है कि भाई ये मतलब ये हो क्या रहा है। मैं दो दिन से देख रही है, पहले भी अपनी मम्मी के पास फोन करती थी, बहुत फोन करती थी मैं, दिन में चार पांच पांच फोन करती थी, और मम्मी के ही फोन पे करती थी कभी, जैसे मम्मी का भाई नहीं भाई बैटरी वैटरी चार्ज ना, वो चार्जिंग पे खत्म हो रही हो, तो बात अलग है कि मैं भाई भाभी के फोन कर देती थी, लेकिन मैं मम्मी से ही बात करती थी। लेकिन अभी दो दिन से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। तो पहले दिन तो मैंने सोचा मजाक है, पहले मैं उससे मजाक ही समझ रही थी कि मजाक है। तो जैसे ही मैंने मम्मी के पास ये बात है, दो दिन से परसों से शुरू हुई है मेरे साथ में, तो जैसे ही मैंने मम्मी से फोन मिलाया अपनी से बात करने के लिए, तो क्या हुआ था, एकदम वहां से ना वैसी आवाज आ गई। मैं आपको रिकॉर्ड भेजूंगी, सारी रिकॉर्डिंग में भेजूंगी, और वो रिकॉर्ड भी हो गई है वो आवाज। ये देखो ना, मेरे में रिकॉर्डिंग का वो है, तो अब रिकॉर्ड भी हो गई है वो आवाज। तो वहां से मैं आवाज, मम्मी की आवाज नहीं आ रही है, मैं बोल रही हूँ हेलो मम्मी नमस्ते, ऐसे बोल रही जैसे। तो मुझे वहां से नहीं पता वो वहां से क्या बोल रहा है, लेकिन मैं कह रही मम्मी मम्मी, तो वो वहां से बोल रही है हाँ मम्मी, मतलब वो बोल रही है कुछ, मम्मी बोल रही है, कौन बोल रही है मुझे नहीं पता है, मेरी मम्मी से बात हो रही है। मैंने की पहले तो मैं मजाक में ले जा रही थी, पहले तो मैं सोच रही थी मेरा भतीजा है ना, कई बार मजाक करता है, लेकिन वो ऐसे वाला मजाक नहीं करता, थोड़ी आवाज चेंज करके, मतलब वो बोलता है आवाज चेंज करके, लेकिन ये इसमें तो आवाज है ही नहीं, इसमें आवाज नहीं है, इसमें आप देखना है वो आवाज को, वो क्या चीज है, जो आप कई बार उसमें देखते होंगे ना, वो हॉरर उसमें देखते होंगे, और वो जैसे भूतों की बात दिखाते हैं, उस तरह की सी बात है कुछ। तो पहले तो मजाक में लेके जा रही हूँ, आप मेरी वो वीडियो सुनना, मैं क्या मजाक कर रही हूँ, मैं खुद ही मजाक कर रही हूँ, मुझे इतना नहीं था कि भाई ये चीज है, वो ये चीज हो सकती है ये वाली। तो बात कर रही हूँ मैं, काफी बात करती रही हूँ, फिर मैं जब मेरे को ना काफी देर हो गई है, मैं बोली अब तक तो भाई जो भी मजाक कर रहा है, तो अब तो उसे सीरियस हो जाना चाहिए भाई बात करने के लिए मुझसे। फिर मैं बोलने लगी, फिर मैंने ऐसे बोला मम्मी बोल रही हो, मम्मी कौन बोल रहा है, मम्मी हो मम्मी, तो वहां से मेरी मम्मी की तरह ही कोई बोल रहा है, मैं बता मम्मी का नाम, मैं मम्मी बोल रही हूँ वो।
अब मुझे ये पता नहीं है फोन में खराबी, तो मुझे नहीं लगता कि फोन में उनके के में खराबी है, क्योंकि मम्मी से मेरी बात हुई थी, कह रही बेटा कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया मुझे ये चीज कि भाई मेरे फोन में खराबी है। मेरे से फिर मम्मी कहने लगी, फिर मैं मम्मी से कहने लगी, अब मैं जब काफी वो हो गया, काफी देर हो गई वो बात करते करते, जब काफी देर हो गई बात करते करते, तब मुझे डर लग गया था। तब मैं बोलने लगी, अब ये बता तू कौन बोल रहा है। मैंने बोला मैंने कौन है। फिर मैं मजाक कर रही, भूत है क्या, भूत बोल रहा है क्या? वहां से वो बोल रहा, लेकिन भाषा वो समझ कम आ रही है, जो समझना चाह रहा मुझे आ रही। दीपा कह रही है आपको समझ कैसे आ रही है? मैंने पता ना मुझे कैसे समझ आ रही है, पर मुझे समझ आ रही है वो बात जो बोल रहा है, मैं यहां से अपनी बोल रही हूँ। फिर उसके बाद में जब मैं ऐसे बोलना शुरू करा तो मेरी मम्मी वहां पर डर गई है, मैं यहां डर गई हूँ, मम्मी मेरी वहां डर गई है, मम्मी ने मेरी ना फोन काट दिया है। फिर मैंने ना ये फिर रिकॉर्डिंग मैंने दीपा के पास भेजी, दीपा मैंने की देखी, मैंने की ये रिकॉर्ड हुआ है, ये क्या चीज है? दीपा बोली आप एक बार नानी से बात करो। फिर मैंने मम्मी के पास फोन मिलाया, फिर दोबारा मिलाया फोन, मैंने नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है, जैसे नॉर्मल बात करी है। तो मम्मी मेरे से कहने लगी है कि मम्मू मैं तो बेटा तेरे से डर गई आज, यहाँ मैंने कौशिक के पास भी रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो कौशिक ये कहने लगे तुम्हारी मम्मी ठीक है, ये मेरे से पूछने लगे तुम्हारी मम्मी ठीक है। मैंने कहा हाँ, बोले बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी बात हुई है मम्मी से। तो मम्मी मेरे से कह रही है मम्मू बेटा तेरे घर में कोई चीज ऐसी है, मम्मी मेरे से कह रही है। कौशिक जी कह रहे ना हमारे घर में नहीं है, मम्मी घर में है। वो जैसे वो कर रहे थे बात, आपस में बात कब हो रहा है। बस उसके बाद में क्या हुआ, मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी कह रही बेटा मैं अब तेरे से बात ना करा करूंगी, मुझे तो डर लग रहा है, ये क्या हुआ? मैंने कहा मुझे खुद डर लग रहा है मम्मी, मैंने कहा पता ना हो सके। फिर आप जब दिमाग कहीं से जाता हो सकता है क्रॉस कनेक्शन हो गए वहां, हाँ क्रॉस कनेक्शन हो गए होंगे या वो कुछ, मतलब कुछ भी लगा लो ये हुआ। फिर मम्मी से मैं कह रही हूँ मम्मी, मैंने कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो वो कह रही बेटा तेरी आवाज पूरी आ रही है, तो जो 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 तू चीजें पूछ रही है वो मैं तेरे को जवाब दे रही हूँ, लेकिन वो आवाज मेरी वहां पे कहां पे बदल के जा रही है मुझे नहीं पता, कौन बीच में आ रहा है मेरे और तेरे बीच में मुझे नहीं पता है बेटा। अब तो मम्मी मेरे से डर रही है, मैं मम्मी से डर रही हूँ। फिर कौशिक जी कह रहे बहम रखने का कोई जरूरत नहीं है। भतीजा भी कहने लगा बुआ हो सकता है अम्मा का फोन खराब हो। फिर मैं बोली हाँ मैंने जो हो सके, जितना दिमाग में बहम रखेगा आदमी उतना ही मतलब वो होगी, रहने दो किस लिए छोड़ो। फिर कल की बात है, कल कौशिक जी छुट्टी थी तो ऐसे मेरा मूड हुआ, मैं इनसे कह रही थी देखो मैं मम्मी ना मेरे से आज बात ना करेगी, मम्मी डर रही है मेरे से, मैं इनसे कह रही। तो ये कह रहे ना ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी नहीं डर, माँ डरे करेंगे बच्चों से बताओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, तो मैंने अपनी मम्मी से फिर बात करी, और जैसे ही मैंने फोन मिलाया कौशिक जी लेटे हुए थे बराबर में, और जैसे ही मैंने फोन मिलाया वही आवाज फिर शुरू हो गई, यानी वही चीज। अब वो आवाज आ रही है, फिर कौशिक जी ने मेरे से ये भी कहा था जब फोन चल रहा है, कौशिक जी से ये कहा था रख दो रख दो फोन, रख दो वापस रख दो, बंद करो फोन को, बंद करो फोन को। मैंने कि ना, मैंने कि मैं आज इससे बात ही करना चाहूं, मैंने कि है क्या चीज है, मैं पूछू सही कौन है भाई, तू इतने तू आवाज, वहां से मेरी माँ के मैं फोन कर रही हूँ, वहां से माँ बोल रही है माँ के बीच में मेरे बीच में कौन आ रहा है, बता दो कौन है जो क्या बात करना चाह रहा है। तो वहां से फिर वही हो गया शुरू, फिर मैं फिर वही बोलने लगी कौन है तू बोल क्यों आ रहा है, तू कल भी ऐसी कर रहा तू आज भी ऐसी कौन है बोल। वहां से मेरी मम्मी बोल रही, फिर यहाँ फोन पर मैं बोल रही हूँ, फिर मम्मी मेरी फिर डर गई, मम्मी ने मेरी फिर डर के फोन काट दिया है। फिर मैंने दोबारा फिर फोन मिलाया, मैं फिर मेरी मम्मी ने फोन उठाया, नॉर्मल आवाज है मेरी भी मम्मी की, आपस में बातचीत हो रही है। तो फिर भतीजा कहने लगा बुआ हो सकता है अम्मा का फोन खराब हो, तो मैंने कहा बेटा हो सके फोन खराब हो। फिर मम्मी मेरी कहने लगी बेटा इस पे तो मेरे भी आज तक मम्मी से उसी फोन पर बात हो रही है, कभी मैंने ये चीज नहीं देखी आती हुई बीच में, ना कोई खराबी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बीच में डिस्टर्बेंस आ रही हो, वो भी नहीं है। तो फिर मम्मी कह रही बेटा बहुत लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के आते हैं बात करने के लिए, मम्मी की मम्मी है, बहन है, भाभी है, हमारी मेरी बहन है, बहुत लोगों के मतलब मम्मी के पास बहुत सारे दिन फोन आते रहते हैं। बोलो बेटा आज तक कभी किसी ने मेरे से शिकायत नहीं करी, और अभी भी आ रहे, परसों से भी आ रहे मेरे पास में, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपका फोन दीदी खराब है, किसी ने नहीं बोला।
किसी को तो बोलना चाहिए था, एक आध आदमी के पास तो ऐसी आवाज जानी चाहिए खराब वाली जो तेरे पास आ रही है। अब उसके बाद से मैं बता रही हूँ ना, मतलब हम मेरे को बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई है अब, और मैं इसे और आगे बताऊंगी इसको, मैं आगे बताऊंगी इस बात को और भी आपको। बस अभी मैं यहीं तक बता रही हूँ, और अब मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया इस चीज से। और आप देखिए कल भी, कल का भी आप देखिए, कल जो मैं वीडियो डाली है उसमें मैं चाय डाल रही हूँ, उसी टाइम आप देखना मेरे मुंह पे। आप लोगों ने बताया भी आंटी 4:01 पे चार बताया है टाइम भी, तो वो आया। अब ये देखो ना कितना मेरे साथ वो हो रहा है इस घर में, और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहे, और जब इसको एडिट करेंगे तो पता नहीं कितने गोले घूमे होंगे मेरे आगे से अभी में। और मेरा इस टाइम ना सिर बहुत भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर पे यहाँ पे चढ़ के बैठा है यहाँ पे। कल जब मैं ये वीडियो बनाने वाली थी तो मेरे को और कौशिक जी को जैसे ही भाई बात करने शुरू करा हमने इस वीडियो के बारे में, एकदम काफी टेंशन हो गई है आपस में, मतलब जैसे बहसबाजी हो गई है। कौशिक जी कह रहे मैं नहीं करता, मैं नहीं बनाता वीडियो, मैं नहीं बनवाता वीडियो, तो मन लड़ाई हो गई है इस बार। लड़ाई तो क्या, मतलब बहसबाजी हो गई है, फिर इन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनवाई है तो मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़। और अब देखो अभी कौशिक जी कुछ नहीं कह रहे इस चीज में, लेकिन वो मेरे सिर पे हावी है, मेरे सिर पे, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मेरा यही वाला आंख वाला हिस्सा है ना ये काफी भारी हो रहा है। अब ये राम माया है, दीपा भी अभी कह रही है, दीपा गिर गई है, दीपा कह रही है मम्मी कोई बचाने वाला भी बैठा है, मैं गिर गई तो मुझे किसी ने बचाया भी, मेरे हाथ में कप भी था ना, मेरा कप टूटा ना कोई ऐसी चोट लगी, हाँ थोड़ी बहुत चोट तो गिरने के बाद तो लगती है, वो तो लगी है चोट। अब ये देखिए ना, मुझे ये नहीं पता ये अच्छी है बुरी है, मुझे कुछ नहीं पता क्या चीज है, चाहे अच्छी भी है तब भी आदमी डरता है, ये देखिए ना आप इन चीजों से, तो ये नॉर्मल चीजें थोड़ी है। चलिए फिर मैं करती हूँ आगे बात आपसे, चलिए डिटेल में मैं आपको और बताऊंगी विस्तार से, जो भी चीजें हैं सब मैं आपको बताती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। कल भी लेके आए थे सब्जी, लेकिन ये सब्जी नहीं मिलती, ना करेला मिला था ना उसमें तोरई मूली गाजर ये नहीं मिली थी, बैंगन वैंगन तो जो वहां से नहीं मिली थी, वो यहाँ से जहाँ से दूध लाते हैं वहां से लेके आ गए हैं। ये देखिए करी पत्ता है, धनिया है, और यहाँ करी पत्ता मतलब मिलता है पैसे के साथ में, लेकिन मिलेगा आटा ही मिलेगा। और ये इन्होंने कौशिक जी ने वॉश कर दिया सारा, धो धा के सुखा दिया, दूध भी धो के रख दिया है, अब मैं इन्हें भर दूंगी बाद में। यो मेरे वैकुंठ पर देवी देवता, दिनों के नाथ हरि दिनों के नाथ, प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना मेरे बाबा, क्षमा करना देवता, जय हो मेरे बाबा जी महाराज, पूरे विश्व देवी देवताओं की जय हो, क्षमा करना देवी देवता, जय हो मेरे बाबा, जय वैकुंठ पर देवी देव, प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करो बाबा, जय हो दीनों के नाथ हरि, अपनी कृपा दे शुभ दृष्टि सदा बनाए रखो बाबा, जय मेरे देवता, जय वैकुंठ पर देवी देवता, जय भोले दूसरे देवी देवता, जय हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया है जी, बढ़िया खूब। और आज हम आ गए हैं कौशिक जी, काफी दिन बाद आए हैं। हाँ जी, बहुत दिन में बाद आया हूँ, हाँ, बहुत दिन के बाद आया, क्योंकि ना टाइम नहीं मिलता है ना। नहीं टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, मुझे बैंक से ही 9:30 आ रहे हैं, खाना वाना खाने के बाद में फिर थके भी रहते हैं, फिर कहती भी नहीं हूँ मैं इनसे कि वीडियो में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो आज आए हम। और आज आपको मैं एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ, ऑडियो डालूंगी मैं तो आप सुनना, तो और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब हम लोग यहाँ फोन कहीं लगाते हैं और वो लगता है दूसरी दुनिया में जाके कहीं भी, आपको वो हम रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, हाँ। तो आप देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसने भी वो वीडियो देखी, जिसने भी वो आवाज सुनी है वो पूरी आवाज सुन नहीं पाया, पूरी बात बीच में ही डर गया वो। और नॉर्मल बात करने के लिए मैंने फोन किया था अपनी मम्मी से, जैसे पहले भी मैं बहुत कई सालों से बात कर रही हूँ, उसी फोन पे बात कर रही हूँ, तो लेकिन दो दिन मेरे साथ लगातार ऐसा हुआ है। एक दिन तो मैं अकेली थी, पहले तो मैं नॉर्मल सोचती रही हूँ कि वैसे ही है, कोई वैसे मजाक कर रहा है मेरे से, लेकिन जब वो कोई भी नहीं वो था, मैं बोली क्यों डरा रहा है भाई, कैसे करके बात करने लगी हूँ, तो मैं खुद बता रही हूँ, मैं अकेली बैठी थी घर में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लगा जैसे मैं कहाँ भागू, अब मैं कहाँ भागू यहाँ से, डर गई बिल्कुल, और एक एक रोया खड़ा हो गया। और जो वहां से मेरे से बात कर रहा है वो ये सोच रहा है मेरे बारे में कि भाई मैं पागल हो चुकी हूँ,
उसको इनसे डर लग रहा है, उन्हें मेरे से डर लग रहा है, मैंने उनसे डर लग रहा है। नहीं, इनको तो इसलिए डर लग रहा है ना भाई, आवाज ही अजीब दिख रही है। हाँ। ऐसी आवाज सुनती नहीं, ऐसी आवाज कोई सुन नहीं सकता, मतलब इसलिए इनको डर लग रहा था। और वो आवाज ऐसी है जैसे आप कभी वो जैसे उस बताओ ना क्या बोल रहे हैं, जैसे कि भाई आप दूसरी दुनिया वालों से ही बात कर रहे हो, वही उन्हीं से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो आप, वही मतलब कोई पैरानॉर्मल ताकत है जिससे आप बात कर रहे हो, मतलब वो नॉर्मल तो आवाज है ही नहीं, वो ऐसी आवाज है जैसे वो परछाई किसी आवाज होती है ना, मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन अपने को पता लग रहा है कि क्या बोल रहे हो वो, मतलब इतनी खतरनाक आवाज है। और वो दो दिन मेरे साथ बात हुई है, एक दिन मैं अकेले थी, दूसरे दिन कौशिक की छुट्टी थी, तो मैंने ये कहा था चलो मैं बात कर रही थी, वो मेरे से कह रही है कि मैं मुझे तुझसे डर लग रहा है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। तो मैंने कि मैं एक बार पूछ लू मैं डर रही हो क्या मेरे से, तो मैंने फोन करा है, तो फिर वहां से वही आवाज आई है, तो कौशिक जी ने मेरे से मना भी करा है कि फोन रख दो, फोन रख दो, क्या पता क्या से ये कनेक्शन कहाँ मिल रहा है, या तुम बात करती हो तुम्हारे फोन से, या तुम्हारे से कोई वो करना चाहता, संपर्क करना चाहता, ऊपरी चीज कोई ऐसी है, कोई अलग दुनिया की आवाज है, कोई बात करना चाहता हो, बात करना चाहता हो, वो आवाज है, आप देखो ये सुनिए आवाज कितनी भयानक आवाज है वो। बस वो उसके बाद मेरे दो दिन बहुत तबीयत खराब रही है, फिर उसके बाद ये बीमार भी हो गई। मैं बीमार हो गई, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जब ये चीजें असर करती है तो शरीर टूट जाता है, मेरा शरीर पूरा टूट गया, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, ऐसा हो रहा, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, बुखार नाप रही हूँ तो बुखार नहीं है मुझे, बुखार नॉर्मल 97, ना मेरे से खाना बन रहा है ना कुछ हो रहा है, मेरी ये हालत हो गई थी उसके बाद में, तो अभी जाके मैं एक दो दिन से फिर मैं नॉर्मल हुई हूँ, नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। और वो आवाज बिल्कुल इस वीडियो में डाली है, आप उसको जरूर सुने, और पूरी आवाज सुनने के बाद अपने एक्सपीरियंस बताएं, हमें शेयर करें। और मुझे ये नहीं पता है कि ये चीज में कौशिक जी का, वही कौशिक जी हमें मैं जो यहाँ लेके आया है, कौशिक जी गलती है या हमारे ट्रांसफर की गलती है या हमारी किस्मत की गलती है, अगर ये कोई चीज मेरे साथ में या मेरे साथ चल रही है, ये जो मेरे से संपर्क करना चाह रही है, मुझे अब मैं तो खुद सोच के डर रही हूँ इस चीज से। क्या पता कोई हेल्प लेना चाह रहा हो, कोई अपनी बात बताना चाह रहा हो कि भाई मैं ये हूँ, मेरे को मतलब हो सकता है कि हम अगर उसकी बात का जवाब दें या उससे ज्यादा बात करें तो वो खुल के सामने आए कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। वो सेल्फ रिकॉर्डिंग हुई है, बात है अपने आप ही रिकॉर्ड हो गई वो, क्योंकि हम लोग उस आवाज को मतलब इतना घबरा गए हम लोग कि, और ये जरूरी था कि हम लोग कई लोगों को हम वो आवाज दिखाते तो सुनाते, तो इसलिए वो सेल्फ रिकॉर्ड हो गई, जैसे ही हमने बात की जो जो हमने वहां बात की है वो पूरी बात रिकॉर्ड हुई है। और मैंने ये ऑडियो है जो मैंने अपनी जो मेरी लंदन बहन है उसके पास भेजी थी, और मैंने ये भतीजी है, सब जगह मैंने मतलब जहां जहां मुझे भेजी है सब जगह भेजी है, सबने यही कहा ये कौन है, रोंगटे खड़े हो गए, मतलब बात, और वही वो डिलीट कर दी गई है उन लोगों जिनके पास भेजी है मैंने। और मेरा भतीजा तो ऐसा है, वो तो इतना डर गया उस दिन वो, और मेरी वो आवाज सुन के, हमारी बातचीत सुन के, जो मैं और जो दूसरा आदमी कौन है मुझे नहीं पता, वो औरत है या आदमी है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना जैसे मैं जिससे बात करना चाहती हूँ मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ से उसी से बात कर रही हूँ, लेकिन वहां वो दूसरे से आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है आप मजाक कर रहे हो मेरे से, बार बार पूछ रहे हैं कि भाई कौन हो, मजाक कर रहे हो, वो अपना बता रहे मैं हूँ, हाँ मेरा मतलब फिर बोल रहे कौन बोल रहे, फिर अपना नाम बताते हैं वो, हाँ, और आप भी क्लियरली सुन पाएंगे कि वो क्या नाम बता रही है और क्या बात कर रही है, इनकी आवाज बिल्कुल क्लियर है उसमें, और उसकी आवाज ऐसे थर थराती आवाज होती है ना, जैसे इंसान की आवाज नहीं है, इंसान की आवाज नहीं है, धीरे से आवाज जो आती है, जैसे आपने पहले प्रोग्राम देखे होंगे जो इन पे प्रोग्राम आते थे, पैरानॉर्मल शक्तियों पे जो प्रोग्राम आते थे, तो जो आवाज वहां से निकलती थी है करके, ऐसे ऐसे आवाज है वो रिकॉर्डिंग वाली। बस ये कल भी मैं रहने वाली थी, मैं बताने की बहुत हिम्मत कर रही थी कि मैं बताऊं, तो ये आवाज वाली बात थी, ये मेरे हमारे साथ पहली बार हुई है, और ये नहीं है कि भाई मैं दूसरे दिन अकेली थी, दूसरे दिन मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ दूसरे दिन मैं था, लेकिन वो आवाज तो बड़ी खतरनाक आवाज है। इन्होंने ये भी कहा था डर के बंद कर दो, मैं बोली ना मैं तो बात करूंगी, आज मैं बात ही कर लू, मैंने पूछ तो लू मैंने कौन है ये, इतना पूछने में क्या कौन है, यही तो है सामने खड़ा हो जाए, कोई बात ना देखी जाएगी, और क्या कर सकता आदमी, बताओ सही तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझसे दिक्कत क्या है बता दो। चलिए मेरे को ना आज अपने दिल की बात आपसे कहनी थी, आप लोग डरना मत, और उस जो ऑडियो में डाल रही हूँ उसे आप देखना ये वीडियो कैसी लगी, और ये सच्चाई है, इसमें 1% भी झूठे चीज मैंने नहीं डाली है, ना ही इसमें मैंने एडिट करा है, जो मेरी आवाज है और जो दूसरे की आवाज है
उसमें मैंने कुछ इतना सा भी एडिट नहीं करा है और ये आवाज आप सुनिए, जिस जिसको मैंने आज ये मतलब अपनी भेजी है ये रिकॉर्डिंग भेजी थी, सबने मतलब डर के ये पूछा ये किसकी आवाज है, कौन है जो बोल रहा है, ये दूसरी आवाज तो मेरी पता लग रही है कि मैं हूं, लेकिन दूसरी जो आवाज है वो किसकी है बताओ। और वो डर के उन्होंने वहीं की वहीं डिलीट कर दी है। और बच्चे सोए नहीं है, जिन बच्चों ने सुने बच्चे नहीं सोए, भतीजा मेरा सोया नहीं उस दिन, अपने भाभी मेरी गई हुई थी अपने मायके, तो वो अकेला था, मम्मी और मेरी बुआ थी घर में अकेली बड़ी बूढ़ी, तो वो अपने दो दोस्तों को लेके आया था, तब उनको सुलाया, तब वो भाई मेरा भतीजा सोया था, वो इतना मतलब बच्चों के भतीजी भतीजा इतना दहशत हो गई, दीपा मेरी इतनी डरी पड़ी है, कह रही मैं पूरी रात नहीं सोई मम्मी। चलिए मैं अब दिखाती हूँ, आप कहोगे सस्पेंस में सब बात रख रखी है आंटी ने, दिखा नहीं रही है, अब मैं वो भी डाल दे दूंगी बीच में और आप देख लेना बीच है उसे, फिर मुझे बताना कमेंट करके कि आप 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 आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हो इस चीज के बारे में। ठीक है, ओके जी, ठीक है, फिर अब मिलते हैं हम कल अदरक की चाय के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना, और जो भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें मैंने कोई कहानी स्टोरी कहीं से कोई नहीं जोड़ी है लाके, ये मेरी रियल कहानी है, ये तो आप बीती है ना रोज की, ये मेरी आप बीती है जो मेरी अब जो अभी एक दो दिन पहले ही बीती है जो मेरे साथ में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप वो सुनना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। चलिए फिर। क्या नाम है?